झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र से इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस के प्रदीप जैन आदित्य को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसको लेकर आज झांसी के मौरानीपुर में एक विवाह घर में वृहद कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सभी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जीत दिलाने का संकल्प लिया गया और भाजपा पर निशाना साधा। कार्यकर्ता सम्मेलन में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सपा सहित अन्य राजनीतिक दल शामिल हुए, जहां वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में सिर्फ पूंजीपतियों की सुनवाई हुई है और उन्हीं के इशारे पर सरकार सब कुछ बेचने की फिराक में है। इसके साथ ही उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, किसान, स्वास्थ्य, शिक्षा और भाजपा सरकार को जुमलेबाज सरकार बताते हुए कड़ा प्रहार किया और उपस्थित कार्यकर्ताओं से गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने की अपील की। आज इंडिया गठबंधन के मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन था, जिसमें आने वाले लोकसभा चुनाव के जो हमारे प्रत्याशी हैं भाई प्रदीप जैन जी, उनके चुनाव की रणनीति बनाने के लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए और उनके माध्यम से लोगों में ये हम संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप जैन जी को जिताना बहुत आवश्यक है, क्योंकि देश में आज जो माहौल है, निश्चित रूप से आने वाले समय में जो परिस्थितियां बनेंगी, उन परिस्थितियों में किसानों को उनका उपज का लाभकारी मूल्य मिल पाना या छात्रों नौजवानों को पढ़ाई लिखाई के बाद रोजगार प्राप्त करना, महंगाई से निजात पाना, इन तमाम मुद्दों पर जो सरकार आज विफल हो गई है। आपको इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी बनाया गया है, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं? देश के अंदर संविधान खतरे में और एक तानाशाही व्यवस्था पूरे देश में लागू है, ऐसे में जनता ने पहले ही गठबंधन कर लिया था, जिसे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने एक सूत्र में बांधा और सभी का एक ही लक्ष्य है कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदलना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं, उनको सत्ता से उखाड़ दें। और यही कारण है कि एक एक व्यक्ति है अपने को गठबंधन का प्रत्याशी मानकर चुनाव लड़ा। और मऊरानीपुर तो एक ऐसी जगह है जिसको कभी मधुपुरी कहा जाता था, कभी आते हैं सत्ताधारी लोग, पिछली बार जो सांसद का चुनाव लड़ रहे थे आए यहाँ, कह गए कि हम मऊरानीपुर को जिला बनाएंगे, लेकिन आज मऊरानीपुर की क्या स्थिति है? ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन कोई फांसी नहीं लगाता हो, कोई यहाँ से पलायन नहीं करता हो। देखिये, रणनीति किसी भी दल की हो, कभी मंच और माइक के सामने नहीं आती है। रणनीति का मतलब ही रणनीति होती है, अगर रणनीति उजागर कर दी तो फिर तो सब फेल हो गया। आज जिस तरीके के कार्यक्रम में हम लोग इकट्ठे हुए हैं, ये इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री प्रदीप जैन आदित्य जी का आज कार्यक्रम था, ये विधानसभा मऊरानीपुर के अंदर जितने भी हमारे चारों जो इंडिया गठबंधन के चार पिलर हैं, सपा, कांग्रेस, आम आदमी, तो ये सब मिलकर के इकट्ठे होकर के ये बात कहने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि राहुल जी ने जो परिश्रम किया है, जो त्याग किया है, उस बात को ध्यान में रख करके कांग्रेस पार्टी ने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, इन सबको इंक्लूड करके चर्चा करके लोगों तक पहुंचाने की योजना बनाई है और वो योजना है मंच के माध्यम से। झांसी से रवि परिहार की रिपोर्ट।